हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हिंदी सेशन की क्लास नंबर 14 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छंद। यहाँ दोस्तों छंद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको पता है छंद एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और छंद एक बड़ा चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ा है तो आज ये जो जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ गया है, यानी कि 2 दिन बचे हैं सिर्फ यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को, तो हिंदी छंद से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं जो आपके लिए। तो आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी छंद से रिलेटेड हैं और जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जिन्हें आप गलत करके ना आए और छोड़कर भी ना आए। तो आज के सेशन में हम यही देखेंगे। तो गाइज अगर आपने अभी तक जो क्लास 13 हो चुकी है वो नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिए आज 2 दिन में, ताकि आपके हिंदी के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे जाएँ और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को और देखते हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण छंद के क्वेश्चंस। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं जो कि हैं छंद से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से आपको कथन दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा नहीं है। ठीक है, यानी कि इनमें से सही कथन नहीं है। कौन सा नहीं है? यहाँ पे सबसे पहला, घनाक्षरी में 31 वर्ण हैं, सही है। रूपघनाक्षरी में 32 वर्ण और देवघनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं, तो ये तो सही हो गया। इसके बाद है अमिताक्षर घनाक्षरी के उत्तरांग से निर्मित छंद है, जिसमें 15 वर्ण और 8वें तथा 7वें वर्ण पर यति होता है, तो ये भी सही है। इसके बाद नंबर सी, यहाँ पे मात्रिक छंद में वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि सभी सही हैं। तो आपका आंसर इनमें से कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही हैं। अगला देख लेते हैं, नंबर दूसरा आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं। छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? तो ला और ग वर्णों को दशाक्षर कहते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से बन सकता है कि दोहा छंद में यति कहाँ होती है, कहाँ होती है? आपका आंसर हो जाएगा चरण के अंत में। यहाँ दोस्तों चरण के अंत में क्या होता है? यति होती है। तो अगर पूछा जाता है कि बताइए कि दोहा के छंद में यति कहाँ होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा चरण के अंत में यति होती है, तो ये दोनों आप आंसर आपके गलत हो जाएंगे और ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसके बाद गाइज आ जाता है आपका नंबर 4। तो नंबर 4 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि वर्ण मात्रा गति यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? तो सही, इसका सही आंसर है छंद, क्योंकि इनसे नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा छंद। दोहा नहीं कहते हैं, रस भी नहीं कहते हैं, अलंकार भी नहीं कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा छंद, छंद कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं नंबर 5, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं। छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? चरण। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि चरण, छंद की अंतिम पंक्ति को क्या कहते हैं? चरण, यानी कि प्रत्येक पंक्ति को, सॉरी प्रत्येक जो पंक्ति होती है छंद में उसे क्या कहते हैं? चरण। ठीक है, अगला देखते हैं नंबर 6, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि छंद की रचना किसके द्वारा होती है। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर है आपका गणों के समायोजन से, गणों के समायोजन से। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको सही करके आना है कि छंद की रचना किसके द्वारा होती है? गणों के समायोजन से। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसके बाद गाइज अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होती है? आपका इसका सही आंसर हो गया सोरठा। सोरठा के जो द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में जो है तुक नहीं होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोरठा। रोला नहीं होगा, दोहा भी नहीं होगा, चौपाई भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा सोरठा। ठीक है, अगला देख लेते हैं जो कि हमारे पास नंबर 8, इस प्रकार से कि 24 24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोहा, कि दोहा की पंक्तियों में 24 24 जो है मात्राएं होती हैं 2 पंक्तियों में, तो आपका आंसर हो जाएगा दोहा, क्योंकि 24 24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को हम दोहा कहते हैं।
तो गाइज नंबर 9 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद किन प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सम, विषम और अर्धसम, यानी कि सम और विषम और अर्धसम प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सम और विषम नहीं होगा, क्योंकि अर्धसम भी होता है, मुक्त और मात्रक भी नहीं होगा, साधारण और दंडक भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा सम, विषम और अर्धसम। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद गाइस है आपका नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, वो है कुंडलियाँ। तो कुंडलियाँ के से आपको याद रखना है, कुंडलियाँ छंद का जो है प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो गाइस 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं, क्या कहते हैं, तुक। उसे क्या कहते हैं, तुक, यानी कि स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुक, ठीक है। अगला देख लेते हैं नंबर 12, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं। 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं, साधारण छंद। अगर 1 से 26 वर्ण आते हैं किसी छंद में, तो आप उसे क्या कहेंगे कि साधारण छंद। 1 से 26 वर्ण वाले छंद को कहते हैं साधारण छंद। अगला देख लेते हैं नंबर 13, दोहा और रोला के संयोग से बनता है, क्या बनता है, कुंडलियाँ। दोहा और रोला के संयोग से बनता है कुंडलियाँ। तो चौपाई गलत हो जाएगा, सोरठा भी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि कुंडलियाँ बनती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कुंडलिया छंद दोहा और रोला के संयोग से बनता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं नंबर 14, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि छप्पर किस प्रकार का छंद है। छप्पर किस प्रकार का छंद है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषम। छप्पर जो है विषम प्रकार का छंद है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, जो कि हमारा नंबर 15 आपके सामने कुछ इस प्रकार से कि द्रुत विलंबित और मालिनी छंद किस प्रकार के हैं। द्रुत विलंबित और मालिनी छंद किस प्रकार के हैं, तो ये जो है बाणिक, यानी कि बाणिक वृत्त प्रकार के हैं। अगला देख लेते हैं नंबर 16, गणों की संख्या होती है, गणों की संख्या कितनी होती है, 8। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए गणों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर लगा के आना है 8, गणों की संख्या जो है 8 होती है। चलिए अगला देख देते हैं, जो कि हमारा नंबर 17, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को, जिसके चारों चरणों में मात्राएं समान हो, उस छंद को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मात्रिक सम छंद, यानी कि जिसके चारों चरणों में मात्राएं समान हो, उसे जो है आप मात्रिक सम छंद कहेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको सही करके आना है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं नंबर 18, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, प्रवाह आने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है, क्या कहलाता है, यति, यानी कि यति कहलाता है। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है, यति कहलाता है। अगला देख लेते हैं नंबर 19, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है, किस में विभक्त रहता है, चरणों में और यति में, यानी कि दोनों में ही, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि चरणों में भी और यति में भी। तो ऑप्शन बन जाएगा सी, यानी कि दोनों में ही होता है, दोनों में ही विभक्त होता है। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं आपका गलत हो जाएगा, चरणों में और यति दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं नंबर 20, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है, उसे क्या कहते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है चौपाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, दोहा नहीं कहते हैं, रोला भी नहीं कहते हैं, सोरठा भी नहीं कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा चौपाई, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो कौन सा छंद है, सोरठा। तो आपका आंसर हो जाएगा सोरठा, ठीक है। अगला है यहाँ पे हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है
जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। कौन सा छंद कहलाता है जिसके पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और जो है चौथे चरण में और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे कौन सा चरण कहते हैं यानी कि छंद कहते हैं, तो दोहा, वो आपका जो है दोहा छंद हो जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं जो कि है नंबर 23 आपके सामने कुछ इस प्रकार से कि मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य से उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है। मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य से उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है, क्योंकि उनके उन्हें कौन सा छंद पसंद था जिसमें वो ज़्यादातर अपनी रचनाएं करते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा मात्रिक एवं सम। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त अगर आ जाता है तो उनका प्रिय छंद अगर पता पूछा जाता है तो आपको आंसर लगाना है मात्रिक एवं सम। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में मात्रिक सम छंद का कौन सा उदाहरण है। मात्रिक सम छंद का कौन सा उदाहरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा चौपाई। चौपाई छंद जो है मात्रिक सम छंद का उदाहरण है, तो सोरठा भी गलत हो जाएगा, दोहा भी गलत हो जाएगा, ये सभी तो हो ही नहीं सकता, तो आपका आंसर हो जाएगा चौपाई। ठीक है, अगला देख लेते हैं जो कि आपके सामने 25 क्वेश्चन नंबर इस तरीके से कि हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था। किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। यहाँ दोस्तों हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। इस तरीके से क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको सही उत्तर लगा के आना है जयशंकर प्रसाद ने नहीं, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने नहीं, आपका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगला देख लेते हैं जो कि हमारे सामने 26 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि चार चरण वाले चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चार चरण वाले चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। ठीक है, अगला देख लेते हैं नंबर 27 जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि 13 व 11 मात्राओं पर यति एवं चार चरण युक्त छंद है, कौन सा छंद है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोहा। यह दोस्तों चौपाई नहीं है, रूला भी नहीं है, कुंडलिमा भी नहीं है, आपका आंसर ना ये है ना ये है ना ये है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोहा। 13-11 मात्राओं से यति पर चार चरण युक्त छंद है, आपका दोहा। अगला देख लेते हैं नंबर 28 जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कौन से छंद में गणों का विचार नहीं किया जाता। कौन से छंद में गणों का विचार नहीं किया जाता, वो है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में गणों का विचार नहीं किया जाता। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। उपनिषद नहीं होगा, यजुर्वेद भी नहीं होगा, सामवेद भी नहीं होगा, सबसे पुराना वेद कौन सा, ऋग्वेद, तो आपको आंसर लगा के आना है ऋग्वेद में। अगला देख लेते हैं नंबर 13 जो कि आपके सॉरी 30 जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है 30 नंबर क्वेश्चन कि कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं लेकिन इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 24, यानी कि 24 जो है मात्राएं होती हैं। अगला है 31, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद है, इनमें से आपका मात्रिक छंद है दोहा छंद जो है एक मात्रिक छंद है, सबैया भी नहीं है, इंद्रवज्रा भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, तो आपका दोहा दिया गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं जो कि आपके सामने इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दोहा किस प्रकार का छंद है। तो आपको पता है दोहा जो है एक अर्धसम छंद है, सम तो है नहीं तो ये गलत हो जाएगा, विषम भी नहीं है, इनमें से कोई तो हो नहीं सकता, तो आपका आंसर हो जाएगा अर्धसम। दोहा जो है एक अर्धसम छंद है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपके सामने 33 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि छंद जो है छंद मुख्यतः रूप से कितने प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, चार छंद जो है चार प्रकार के होते हैं।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही। छंद जो है चार प्रकार के होते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने बताया कि जो है मात जो है छंद जो है चार प्रकार के होते हैं। तो आगे अभी आपने क्वेश्चन में तो देख लिया होगा छंद कौन कौन से होते हैं चार प्रकार के। सबसे पहला होता है आपका एक मात्रिक छंद, दूसरा होता है आपका वार्णिक छंद, तीसरा होता है आपका मुक्त छंद, और चौथा होता है आपका वर्ण वृत्त छंद। और मात्रिक छंद जो है सबसे यूज होने वाला छंद है, जिसमें आपका दोहा, सोरठा, चौपाई आदि आ जाते हैं। तो गाइज उम्मीद है आज का वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही ढेर सारी वीडियो के लिए, ताकि आपको ऐसी ढेर सारी वीडियो डेली मिलती रहे एजुकेशन से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पे हम ये हिंदी की सीरीज़ पूरी डाल दी है, तो आप इसे पूरा का पूरा देख लीजिए। अभी तक जितनी क्लासेस हैं, एक दो क्लास और बची हैं, वो भी हम जल्दी पब्लिश कर देंगे आज के आज आपके पेपर से पहले, तो उन्हें भी आप चेक कर लीजिए। और जो हम जीके और जीएस की क्लासेस चल रही हैं वो भी देख लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, वो भी आप चेक करते रहिए। तो गाइस अगर आपको एक बार फिर से कहना चाहेंगे पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।